इसके बाद लास्ट ये स्लाइड है इस चैप्टर की, क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट्स में एक जिप्सम का एग्जांपल दे रखा है तुम्हारी एनसीईआरटी में। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। अब ये जो जिप्सम है इसको अगर मैं हीट करता हूं 373 केल्विन पे, तो ये अपने कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देगा जिप्सम, और ये फिर क्या बन जाएगा, CaSO4.5H2O। अब इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बोलते हैं, और इसका नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोलते हैं। हेमी मतलब हाफ होता है, जैसे हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है, हेमीहाइड्रेट भी हाफ हो गया, हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बुलाते हैं हम। ये फिर डॉक्टर्स यूज करते हैं फॉर मेकिंग प्लास्टर्स। प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग अलग जगह पे यूज होता रहता है। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक ये रिएक्शन दे रखा है बस, ये भी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.5H2O, इसमें अगर मैं कुछ पानी और ऐड कर देता हूँ प्लस 3/2H2O, तो ये CaSO4.2H2O बन जाता है जो कि जिप्सम होता है। तो ये हमारा एक और रिएक्शन दे रखा है, तो इसको याद रख लो। ऐसे आते हैं चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाता है, बाकी अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास से ही पढ़ेंगे।